हाय, वेलकम टू एसजीटीवी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एटमस रिकॉर्डर्स के बारे में। ये सिर्फ एक मॉनिटर नहीं है, ये बेसिकली मॉनिटर से बहुत ज्यादा है। ये आपको कैपेबिलिटी देता है कि आप अपने कैमरा से आउटपुट लेकर एक्सटर्नल एसएसडी पर हाई रेजोल्यूशन फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। एटमस की बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक द एटमस निंजा वी, एटमस शोगन, एटमस सुमो एंड द शिनोबी। एटमस निंजा, शोगन एंड सुमो वो कैटेगरीज हैं मॉनिटर्स की जो एसएसडी पर रिकॉर्डिंग करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, एचडीएमआई या एसडीआई के थ्रू आप 4K का इनपुट दे सकते हैं एंड यू कैन रिकॉर्ड 10-bit ProRes डायरेक्टली ऑनटू एन एसएसडी। द वन थिंग दैट आई रियली रियली लाइक अबाउट दिस मॉनिटर्स इज कि ये कलर बैलेंस्ड है, ये आपको करेक्ट कलर्स दिखाते हैं इन एनी सिचुएशन। और तो और, आप इनमें पहले से ही लुकअप टेबल्स अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, नोट्स डाल सकते हैं ताकि आप अपनी लॉक फुटेज को चेक कर पाएं कि वो पोस्ट में कैसी दिखेगी। ये सिर्फ एक मॉनिटर का काम ही नहीं करता, बल्कि आपको लोकेशन पर ये भी बताता है कि आपकी फुटेज कैसी शूट हो रही है और आपकी लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई यूजुअली फेस इन मेनी सिचुएशंस इफ आई एम शूटिंग लॉग इज कि लॉग पोस्ट में दिखेगा कैसे। वो जज करना मुश्किल हो जाता है कि हाईलाइट सही रिकॉर्ड हो रही है, शैडोज गलत रिकॉर्ड हो रही है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। इस मॉनिटर की सहायता से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ परफेक्टली। ये HDR मॉनिटर है, तो अगर आपका कैमरा HDR वीडियो रिकॉर्ड करता है, आप उसको इस मॉनिटर पर बहुत आराम से व्यू कर सकते हैं। ऑल इन ऑल, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉनिटर नहीं है, इसी वजह से अगर हम इसका प्राइस पॉइंट देखें, जो कि रेगुलर मॉनिटर से थोड़ा ऊपर है, ये मॉनिटर से बहुत ज्यादा है। अगर आप प्रोफेशनल वीडियोज में आना चाहते हैं और अपने वीडियोस में वो शार्पनेस, वो क्वालिटी और वो इनपुट देना चाहते हैं जो आपको अभी आपके कैमरे से नहीं मिल रहा, ये आपकी नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। और तो और, क्योंकि आप SSDs पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको एक फेल सेफ बैकअप भी मिलता है। ये फेल सेफ बैकअप आपके लिए ऑन लोकेशन एक हार्ड ड्राइव का काम करता है, जो कि आप सीधा एडिट पर डाल सकते हैं। क्योंकि ये मॉनिटर्स हाई बिट रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि 10-bit रॉ या फिर 10-bit ProRes रॉ या फिर 12-bit ProRes RAW या 12-bit RAW, ये सब कुछ आपको वो कैपेबिलिटी देता है कि आपकी वीडियो में वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जो पोस्ट में कलरिस्ट को चाहिए उसको एक फिल्मिक या सिनेमैटिक लुक देने के लिए। इसके अलग अलग मॉडल्स और उनकी स्पेसिफिकेशंस कुछ इस प्रकार हैं। हमने इसको फील्ड में काफी हद तक यूज करा है और हमें हमेशा इसने बहुत ही सहायता की है, जिसके बेसिस पर हम कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां पे हम लाइटिंग जज नहीं कर पा रहे थे, हम इस मॉनिटर के थ्रू ये चेक कर पाए कि हमारी फुटेज सही आ रही कि नहीं। ये उसके कुछ रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपको एक मॉनिटर से ज्यादा हायर क्वालिटी रिकॉर्ड करने वाला डिवाइस चाहिए जो आपको ऑन लोकेशन एंड ऑफ लोकेशन भी हेल्प करे, मतलब शूट के बाद कलर ग्रेडिंग के टाइम आप इसको अपने सिस्टम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, एटमस रिकॉर्डर्स आपकी बेस्ट ऑप्शन है। सो इट्स टाइम टू अपग्रेड टू द नेक्स्ट बेस्ट थिंग।